सच में तेरे को दिखाई नहीं देता कि मतलब इतनी परेशान हो रही है मम्मी, और मैं 3000 रुपए मांगू कहाँ से दूंगी बता। किराया इतना ज्यादा ज्यादा बढ़ गया है, 1000 क्या नाम है, 10-10 हजार, 11-12 हजार रुपए बढ़ गए हैं, पता भी किराया कहाँ से दूंगी। कहीं टुच्चू मुच्चू में भी जाओ देखने के लिए, वैसे भी तो अभी नहीं मिल रहे किराए पे, इतना परेशान हो रहे हैं। और तेरे को मतलब 3000-3500 रुपए स्कूल को घूमने के लिए चाहिए, कहाँ से दूं भाई तेरे को बताना। देख रहे फ्रेंड, मतलब इनको चाहिए, मैं इतनी परेशान हो रही, सच बताऊं मैं मकान के लिए इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि क्या बताऊं। और किराए के लिए ढूंढ रहे कहीं भी, मतलब 1 BHK का टूटा फूटा भी मकान कम से कम 10000-11000 में मिल रहा है। इतने और सामान इतना सारा हो गया, धीरे धीरे सामान ज्यादा हो गया, और छोटा मोटा कहीं पे लो भी तो सामान भी नहीं आ रहा है, या तो फेंक पैसे वेस्ट जाएंगे, बताओ क्या करें। मतलब ये इतना मन दुखी है, इतना ज्यादा दुखी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। स्कूल में बोले कि मतलब 3500 रुपये लेके आओ घूमने के लिए, कहाँ से दूंगी मैं तो 3500 रुपये एडवांस। चलो मैं लेती हूँ किराया, मकान लेती हूँ तो मकान में चलो 8-9.5 हजार का 10 हजार का कैसे कैसे मैं कोई सा भी लेती हूँ, तो इतना मैं उसमें एडवांस में दूंगी सब कुछ, या क्या ना मैं स्कूल के लिए दूंगी, घूमने के लिए। घूमने के लिए चलो कभी हो भी जाएगा घुमा देंगे, बट इतना कहाँ से देंगे हम, बाद में भी घूम सकता है ये डर के मारी आई थी यहाँ तो चिपकने के लिए मेरे, कि कभी मेरे को पिटाई ना पड़े। सच में इतना परेशान हूँ, इतना ज्यादा परेशान हूँ क्या बताऊं। और पता नहीं भगवान को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि मतलब कुछ करना चाहिए। फ्रेंड लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।